नमस्कार दोस्तों, आज हम पंचम पाठ का अभ्यास करने वाले हैं और पाठ का नाम है वृक्षाः। वृक्षाः का अर्थ होता है पेड़। यहाँ बहुवचन शब्द है, वृक्ष ऐसा एक वचन शब्द पुल्लिंग है, वृक्ष शब्द पुल्लिंग है। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने प्ले स्टोर पर कुछ ऐप अपलोड किए गए हैं, तो आप देख सकते हो। जैसे 6th क्लास का संस्कृत गाइड हमने अपलोड किया, आप 6th क्लास संस्कृत गाइड इस तरह सर्च कर सकते हो, या तो नाना शिंदे इस तरह से भी सर्च कर सकते हो। उसमें कुछ पेड ऐप है और कुछ फ्री ऐप है, तो जो ऐप बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत लगती है हम उन्हीं को ही पेड रखते हैं, और वो बहुत ही कम प्राइस में है। मतलब आप यदि गाइड लेने के लिए जाओगे तो आपको 150-200 रुपये लगेंगे, तो यहाँ बहुत ही कम प्राइस में आप देख लीजिए एक बार, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। वने वने निवसंतो वृक्षाः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वने वने मतलब प्रत्येक वन में, निवसंतः रहने वाले, वृक्षाः पेड़ मतलब पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले है, मतलब रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और वनम वनम प्रत्येक वन, रचयन्ति बनाते हैं, वृक्षाः पेड़ मतलब पेड़ प्रत्येक वन बनाता है, हर एक वन, वन मतलब जंगल, हर एक जंगल बनाता है। मतलब पेड़ के बिना जंगल हो ही नहीं सकता, इसलिए कवि उस तरह से कह रहे हैं। शाखा दौला सीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा मतलब डालिया, दोला मतलब झूला, आसीना मतलब बैठे हुए, कौन? विहगाः पंछी, पंछी डालिया रूपी झूले पर बैठे हैं। ऐसा क्यों कहा कवि ने? क्योंकि पंछियों के लिए डालिया एक तरह का झूला है और वो उन्हें ही झूला समझते हैं, ऐसा कवि का कहने का तात्पर्य है। और ऐसे शाखा रूपी मतलब डालिया रूपी झूले पर पंछी बैठे हुए हैं। तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, तैः मतलब उनके द्वारा मतलब पंछियों द्वारा, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूकते हैं, चर्पिंग, वृक्षाः मतलब पेड़, पेड़ पंछियों के द्वारा कुछ भी कूकते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि मानो ऐसे लगता है पेड़ उन्हें आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि तुम मेरे ऊपर बैठ रहे हो तो कुछ तो गाओ, इस तरह से कहने का तात्पर्य। पिबंती पवनम जलम संततम, साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। इसमें बताया है कि पेड़ कैसे है, तो पिबंती पवनम, पिबंती पीते हैं, पवनम मतलब हवा, जलम मतलब पानी, संततम हमेशा, पेड़ हमेशा हवा और पानी पीते हैं। और पेड़ कैसे है? साधु जना इव सर्वे वृक्षा, साधु जना सज्जन की तरह, इव मतलब तरह, सर्वे सब, वृक्षा मतलब पेड़, पेड़ सज्जन की तरह है। स्पृशन्ति पादैः पातालञ्च नभश्शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति छूते हैं, पादैः पैरों से, यहाँ पादैः का मीनिंग करना है कि जो पेड़ है और पेड़ के जो रूट्स है उन्हें यहाँ पैर कहा गया है, तो उन पैरों से वो किसे छूते हैं? पातालम, पाताल को छूते हैं। अभी पाताल एक कल्पना है, जैसे धरती है, धरती के ऊपर स्वर्ग हो और नीचे पाताल है, और पाताल बहुत दूर है, इसलिए कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो पेड़ के रूट्स है वो बहुत लंबे होते हैं और वो इसलिए पाताल को छूते हैं, ऐसी कवि कल्पना करते हैं। नभश्शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, नभ मतलब आकाश, स्काय, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं मतलब कैरी करते हैं, वृक्षाः पेड़ आकाश को सिर पर ढोते हैं। एक कवि की कल्पना है, मतलब वो पेड़ इतने ऊंचे होते हैं मानो ऐसे लगता है कि जो आकाश है और इस आकाश को पेड़ ढो रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे मतलब पयः मतलब वाटर पानी, दर्पणे मतलब मिरर में, स्वप्रतिबिंबम खुद के प्रतिबिंब, खुद की इमेज, कौतुकेन आश्चर्य के साथ, पश्यन्ति देखते हैं वृक्षाः पेड़ खुद का प्रतिबिंब, खुद की इमेज, पानी रूपी मिरर में आश्चर्य के साथ देखते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो पेड़ है और पेड़ की जो इमेज है जो पानी में जो होती है दिखती है, तो मानो ऐसे लगता है ये जो पेड़ है आश्चर्य के साथ उन्हें देख रहे हैं, मतलब खुद की इमेज देख रहे हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। प्रसार्य मतलब फैलाकर, स्वच्छाया खुद की छाया, संस्तरणम बिछाना, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम स्वागत, वृक्षाः पेड़ खुद की छाया बिछाकर मतलब खुद की छाया फैलाकर सत्कार करते हैं,
मतलब तात्पर्य यही है कि जैसे पेड़ होता है और पेड़ बहुत बड़ा होता है और वो अपनी छाव फैलाकर मानो ऐसे लोगों को बोल रहा है कि आओ मेरे छाव में बैठो, मतलब वो लोगों का सत्कार कर रहा है, स्वागत कर रहा है कि आओ और मेरे छाव में बैठो। तो इस तरह से हमने आज ये पंचम पाठ समझ लिया है। धन्यवाद।